शाम सुलग सुलग जाए मन क्योंकि आज इस मौसम में लगी कैसी है रिमझिम गिरे शाम। चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ फ्रेट पे केबो लगाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड्स बताऊंगा मैं। तो जो पहला कॉर्ड है वो है ए माइनर, ए माइनर। सेकंड कॉर्ड है डी माइनर, डी माइनर। उसके बाद है जी मेजर, जी मेजर। और एक जगह ई सेवन में, ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं ई सेवन, ठीक है। तो ये चार कॉर्ड्स यूज किए हैं, फिर से ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर एंड ई सेवन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा। तो चलिए रिदम देख लेते हैं। जो रिदम है वो कुछ तरीके से है, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप एंड डाउन। जो लास्ट का डाउन अप है वैसे फिलर काम करेगा, तो हम उसको रिदम में ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप अप एंड डाउन, डाउन डाउन अप अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स 6 हैं, डाउन डाउन अप अप एंड डाउन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया आपको। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो प्रोग्रेशन है पहली लाइन की वो है ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर एंड वापस ए माइनर, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, सुलग सुलग डी माइनर जाए मन, जी मेजर भीगे आज इस मौसम में, ए माइनर लगी कैसी है, ठीक है। तो ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर एंड ए माइनर, ठीक है। इसको रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। जिंगेरे सा दो बार प्ले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की जो प्रोग्रेशन है वो है डी माइनर, ई सेवन, वापस से डी माइनर एंड ए माइनर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, जब घुंघरू से बजती ई सेवन, ई माइनर, ए माइनर, ठीक है। तो डी माइनर, ई सेवन, वापस से डी माइनर एंड ए माइनर। तो ये कुछ इस तरीके से रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। जब घुंघरुओं से बजती है दो बार प्ले करेंगे। इसके बाद जो प्रोग्रेशन यूज करने वाले एग्जैक्टली हमने पहले पैराग्राफ में यूज किया है, ए माइनर, डी माइनर, जी मेजर एंड वापस ए माइनर, कैसे देखे सपने नयन, डी माइनर, सुलग सुलग जाए, जी मेजर, मन भीगे आज इस मौसम में, ए माइनर, लगी कैसी है, जिसको रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। कैसे देखे सपने सुलग सुलग जाए, भीगे आज इस मौसम में, कैसी है। वापस हम पहला जो लाइन है उसको रिपीट कर देंगे, रिमझिम गिरे सावन, ठीक है। इसके बाद की जो वर्स है वो एग्जैक्टली सेम पहले वर्स की तरह है, सेम कॉर्ड्स यूज हुए हैं,
मेलोडी सेम है, बस वर्ड्स डिफरेंट है। तो आई होप आप उसको प्ले कर लेंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।